हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, जैसे कि हम पेपर 11 पर बात कर रहे हैं, तो आज का टॉपिक भी हमारा पेपर 11 से रहेगा और यूनिट रहेगी हमारी 3.3। ठीक है, पेपर 11 में 3.3 जो यूनिट है हमारा, इसमें दोस्तों एक साथ तीन टॉपिक मिक्स किए गए हैं, यानी कि एक साथ तीन टॉपिकों को पूछा गया है या बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो तीन टॉपिक जो है 3.3 में, उनको एक एक करके करेंगे। जैसे कि इसमें दिया है करिकुलम अडेप्टेशन, ठीक है, दूसरा इसमें यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है, और भी एक टॉपिक और, तो तीन टॉपिक उन्होंने मिक्स कर दिए, लेकिन हमने अलग अलग करना है ताकि अच्छे से समझ आ सके। और आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 3.3 से, वो क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछा जाएगा आपका कि हर टॉपिक का अलग क्वेश्चन होगा। जैसे आज का टॉपिक है हमारा करिकुलम अडेप्टेशन, यानी कि पाठ्यचर्या अनुकूलन, तो आपका टॉपिक होगा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यचर्या अनुकूलन को समझाइए, या होगा पाठ्यचर्या समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यचर्या अनुकूलन क्या है, या आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पाठ्यचर्या अनुकूलन में। पाठ्यचर्या क्या है दोस्तों? पाठ्यचर्या एक ऐसी प्रक्रिया है, हम कह सकते हैं, जिसके माध्यम से हम शिक्षा प्रदान करते हैं, या किसी भी एक बेस है, शिक्षा का आधार है, जिससे हम के एक शिक्षक छात्र को शिक्षा प्रदान करता है या प्रशिक्षित करता है। ठीक है, अनुकूलन का मतलब है, अनुकूलन का अर्थ है एक परिवर्तन। ठीक है, किसी भी वातावरण में, किसी कार्य में, ठीक है, परिवर्तन जो एक सहयोग और सहायता के रूप में दिया जाता है या किया जाता है। ठीक है, परिवर्तित किया जाता है उस चीज को। तो अनुकूलन के बारे में जान लेते हैं। अनुकूलन वातावरण में अनुमेय परिवर्तन है। देखिए दोस्तों, जब बात होती है समावेशी शिक्षा की, तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जब हम पाठ्यचर्या अनुकूलन करेंगे, तो वहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसका वातावरण, यानी कि समावेशी शिक्षा का वातावरण। तो समावेशी शिक्षा का वातावरण जब हम पाठ्यचर्या अनुकूलन करेंगे, तो क्या करेंगे वहां पर, सबसे कह रहे हैं कि अनुकूलन वातावरण में अनुमेय परिवर्तन है। अनुकूलन क्या है? वातावरण में अनुमेय परिवर्तन, ऐसा वातावरण क्रिएट करना जहां पर किसी भी छात्र को, ना सामान्य छात्र को, ना विशेष आवश्यकता वाले छात्र को, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने में कोई परेशानी ना हो, उनके हिसाब से अनुकूलित कर दी जाएगी उनकी क्षमता, योग्यता, स्तर और विकलांगता के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अनुकूलन वातावरण में अनुमेय परिवर्तन है, जो छात्र को पहुंच, परिणाम और लाभ और उपलब्धि के स्तर प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, वातावरण में अनुकूलन परिवर्तन करके क्या करेंगे, जिससे कि छात्र की पहुंच जो है, उसका परिणाम, रिजल्ट जो है, उसके लिए लाभ और उपलब्धि के स्तर प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान करती है, या एक अपॉर्चुनिटी देती है उनको, उनके एनवायरमेंट को एडेप्टिव करके। ठीक है, फिर कह रहे हैं इन अनुकूलन में आवास और संशोधन दोनों शामिल होते हैं। आवास का मतलब है, हम एक रेसिडेंटल होता है आवास का मतलब, ठीक है, जहां हम रहते हैं, तो वहां का वातावरण मान लीजिए। ठीक है, संशोधन करना यानी कि करेक्शन करना, उसको संशोधन करते हैं किसमें, एक वातावरण में या किसी शिक्षण प्रक्रिया में। ठीक, फिर कह रहे हैं अनुकूलन कुछ प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत आता है। जैसे सबसे पहला कह रहे हैं सामग्री अनुकूलन में, देखिए महत्वपूर्ण चीज क्या है, चाहे वो शिक्षण प्रक्रिया हो, प्रशिक्षण प्रक्रिया हो, सामग्री मटेरियल जिसके जिसकी सहायता से हम क्या कर रहे हैं, कोई भी कार्य सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है किसी भी कार्य को करने के लिए क्या, या किसी क्रियाकलाप को करने के लिए, किसी गतिविधि को पूरा करने के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है। तो कह रहे हैं इसके अंतर्गत जो कुछ प्रमुख श्रेणियां हैं हमारी अनुकूलन के अंतर्गत, तो सबसे पहली है सामग्री यानी कि मटेरियल। छात्र को क्या सीखने की जरूरत है, ठीक है, उसके अनुसार निर्देशात्मक अवधारणाएं और व्यापक आधारित होनी चाहिए, यानी कि सामग्री कैसी होना चाहिए, छात्र की आवश्यकता अनुसार निर्धारित होनी चाहिए। ठीक है, और अवधारणा को व्यापक आधारित होना चाहिए, यानी कि जो कॉन्सेप्ट को क्या कर सके, व्यापक रूप से उनको दर्शाए और कह रहे हैं व्यापक रूप से आधारित होनी चाहिए। व्यापक माने फैली हुई होनी चाहिए, विस्तृत होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्य सीखे कार्य को सीमितता ला रही हो, रिजिडिटी ला रही हो उसमें, ठीक है, सीमित रख रही हो, कैसी होनी चाहिए, व्यापक होनी चाहिए, विस्तृत होनी चाहिए, ठीक है, फैली हुई होनी चाहिए।
फिर कह रहे हैं और सभी छात्रों को एक ही मूल सामग्री तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए, यानी कि सभी छात्रों को समान होनी चाहिए, चाहे वो सामान्य छात्र हो या विशेष आवश्यकता वाला छात्र हो। वो कह रहे हैं कि सबको मूल सामग्री पहुंच तक प्रदान की जानी चाहिए, यानी कि सभी छात्र जो है उस सामग्री के पहुंच तक होने चाहिए या वो सामग्री प्रत्येक छात्र के पहुंच में होनी चाहिए ताकि उसका उपयोग कर सके। कह रहे हैं हालांकि सामग्री की जटिलता को छात्रों के शिक्षार्थियों के प्रोफाइल के अनुरूप अनुकूल बनाया जाता है, क्योंकि छात्र के अनुरूप ही बनाएंगे हम, चाहे कोई भी मटेरियल हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, छात्र की जो उसकी एबिलिटी है, उसका स्तर जो है, उसकी डिसेबिलिटी जो है, उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं हम किसी मटेरियल को और उस सामग्री को अनुकूलित करते हैं। तो छात्र के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। छात्रों की आवश्यकताओं को सर्वोत्तम रूप से पूरा करने के लिए शिक्षक सामग्री की प्रस्तुति में बदलाव कर सकते हैं, यानी कि छात्रों की आवश्यकताओं को सर्वोत्तम रूप से पूरा करने के लिए, जो छात्र हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक क्या करेंगे, उनकी सामग्री को प्रस्तुति में बदलाव कर सकते हैं, यानी कि प्रस्तुति का जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर अपनी मटेरियल को, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को या कोई भी मटेरियल यूज कर रहे हैं टीचिंग में, तो क्या करेंगे उसमें चेंजेस लाते रहेंगे ताकि छात्र बोर ना हो और रुचिपूर्ण सहयोग दे सके। दूसरा कह रहे हैं प्रक्रिया, प्रोसेस कैसी होनी चाहिए हमारी, ऐसी गतिविधियां जिनमें छात्र सामग्री का अर्थपूर्ण समझ, यानी कि सामग्री को अर्थपूर्ण समझ सके। हमारी प्रक्रिया ऐसी रहेगी, सामग्री के साथ अनुकूलित सामग्री जो होगी, ऐसी प्रक्रिया रहेगी, प्रोसेस हमारा ये रहेगा, जो गतिविधि चल रही है उस गतिविधि को अर्थपूर्ण रूप से समझ सके। आप कॉन्सेप्ट किसी शेर का दे रहे हैं तो शेर जैसा आपके हाव भाव और आपकी सामग्री होनी चाहिए ताकि छात्र क्या एक शेर के कॉन्सेप्ट को वो समझ पा रहे हैं। कोई जंगल की कहानी चल रही है तो वहां पर क्या कर रहे हैं, जंगल को शेर से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है एक कॉन्सेप्ट उनको समझ आ सके। ऐसी हमारी अब हमारा क्या होगा, गतिविधि हमारी एक्टिविटी कोई चल रही है वहां पर, अगर हम जंगल का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उनको लेकिन उन्हें क्या समझ नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी मटेरियल जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ खराबी है, या आपके हाव भाव जो आप दे रहे हैं उनको, ठीक है, टेक्निक आपकी जो है टीचिंग मॉडलिंग जो है वो गलत है आपकी। तो कैसे होनी चाहिए, ऐसी गतिविधियां जिनमें छात्र सामग्री को अर्थपूर्ण समझ सकें, ठीक है। फिर कह रहे हैं प्रक्रिया में लचीलापन महत्वपूर्ण है, यानी कि आपकी प्रोसेस जो होगा फ्लेक्सिबल होगा, लचीला होगा, ठीक है, छात्र के अनुसार लचीला होना चाहिए। गतिविधियों में समय बदलाव के तकनीकों विधियों का बदलाव, यानी कि गतिविधियों में क्या है समय, कभी समय को ज्यादा कर देना, कभी समय को कम कर देना, ये सभी हम विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के अनुसार रखेंगे, जिसमें क्या है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम समय सामग्री और कह रहे हैं कि प्रक्रियाओं में बदलाव कर रहे हैं। फिर कह रहे और एक उन्नत शिक्षार्थी को किसी विषय को अधिक गहराई से आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है, यानी कि हमारे प्रक्रिया के अंतर्गत ये भी है कि तकनीकी विधियों का बदलाव और उन्नत शिक्षार्थी को किसी विषय को अधिक गहराई से आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना भी शामिल है इसमें प्रक्रिया में। तीसरी श्रेणी है इसकी सीखने का माहौल, सीखने का माहौल कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो भी हमारा अनुकूलित होना चाहिए। कैसे, कक्षा में सीखने का माहौल विभेदित कक्षा में ऐसे क्षेत्र शामिल होने चाहिए जिनमें छात्र स्वतंत्रता एवं ध्यान लगाकर एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकें। हमारा सीखने का माहौल ऐसा होगा वहां पर हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, ऐसा ना हो कहीं म्यूजिक चल रहा है, कोई बच्चा खेल रहा है, कोई भाग रहा है, वहाँ का एक अधिगम वातावरण होना चाहिए, जहाँ बच्चा सीख रहा है वहाँ पर हमने ऐसा माहौल बनाना है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए छात्र के लिए, ठीक है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दबाव नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए उस पर, कोई दबाव नहीं होगा। सीखने का माहौल कक्षा में, सीखने का माहौल विभेदित कक्षा में, विविधित का मतलब है सबकी विविधता होनी चाहिए, ठीक है, विविधता का मतलब है सभी छात्रों के अनुसार विभेदित कक्षा होगी वहां पर, ठीक है, ऐसे क्षेत्र शामिल होने चाहिए, विभेदित क्षेत्र शामिल होने चाहिए। विभेदित क्षेत्र का मतलब हो गया, अगर मान लीजिए हमारी इंक्लूसिव क्लास है, समावेशी कक्षा जो है उस कक्षा में, अडेप्टेशन का मतलब हो जाएगा कि कक्षा में माहौल के साथ अगर कोई विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, टैक्टाइल की व्यवस्था होगी, ठीक है,
कोई हेयरिंग इम्पेयर्ड है, लैंग्वेज हो गया, कम्युनिकेशन बोर्ड हो गया, ठीक है, उसकी व्यवस्था होगी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अगर हम बात करें स्लो लर्नर है तो रिमेडियल सेशन का उसका प्रॉपर व्यवस्था होगी। तो कहीं ना कहीं सभी विविधित क्षेत्र उसमें शामिल होनी चाहिए जहां सीखने का माहौल दिया जा रहा है। फिर कह रहे हैं जिनमें छात्र स्वतंत्र एवं ध्यान लगाकर पढ़ सके, यानी कि छात्र क्या है कॉन्सेंट्रेट होकर और क्या है अपने आप को स्वतंत्रता महसूस कर सके, इस तरीके का माहौल होना चाहिए, और एक दूसरे के साथ सहयोग करके सीख सके, यानी कि ग्रुप में पेयर टूटिंग कर सके, ठीक है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव लर्निंग कर सके। फिर कह रहे हैं ऐसी सामग्री हो जहां विविधता को दर्शाती हो, जो विविधता को दर्शाती हो, यानी कि सामग्री हम ऐसी यूज करेंगे वहां पर जो हमारी विविधता दर्शाती हो, यानी कि उसमें विविधीकरण हो, यानी कि एक जैसी ना हो, ठीक है, अन्य प्रकार की सामग्री हो जो दिनचर्या से छात्रों को आसानी से उपलब्ध हो, यानी कि उनकी दिनचर्या जो है उनकी दैनिक जीवन जो है, दिनचर्या का मतलब हो गया दैनिक जीवन के जितने भी क्रियाकलाप है उनसे संबंधित हो, ताकि क्या हो उनके वातावरण जहाँ वो रह रहे हैं आवासीय वातावरण में दिनचर्या से संबंधित हो और उनको आसानी से उपलब्ध हो सके, ठीक है, और उन सहायता प्रदान करने की अनुमति प्राप्त हो, यानी कि उनके दिनचर्या में ऐसी सामग्री का उपयोग हो, उपलब्ध हो और उनको सहायता प्रदान करने की अनुमति प्राप्त हो। पांचवा इसमें आवास संशोधन, एक दो तीन चौथा ये आवास या संशोधन। अब आवास और संशोधन का क्या होगा दोस्तों, देखिए इसमें अनुकूलन के माध्यम से पाठ्य सामग्री का मतलब हो गया हमारी जितनी भी चाहे पाठ्य से संबंधित जितनी भी सामग्री, शिक्षण रणनीतियां यानी कि हमारी टीचिंग जो होंगी, टीचिंग टेक्निक्स जो होंगी, मानकों के परीक्षण, प्रस्तुति, स्थान, समय निर्धारण, अपेक्षाएं, छात्र प्रतिक्रियाएं, पर्यावरण संरचना और अन्य विशेषताओं में परिवर्तन है। अब देखिए यहाँ पर आवास और संशोधन क्या कह रहे हैं, यहाँ पर समझ लीजिए आवास का मतलब हो गया जहां वो है, जिस वातावरण में है, जहां वो रह रहा है, ठीक है। संशोधन का मतलब हो गया करेक्शन, कहाँ कहाँ होगा और उसके आवास में क्या क्या चीजें प्रस्तुत होंगी। तो आवास और संशोधन दोनों का मतलब होगा जहाँ आवास होगा वहां संशोधन में क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले पाठ्य सामग्री, शिक्षण रणनीतियां हो गई, विभिन्न मानक हो गए, परीक्षण प्रस्तुति हो गई, स्थान समय हो गया, समय निर्धारण हो गया, अपेक्षाएं हो गई, छात्र प्रक्रिया, पर्यावरण संरचना हो गई, अन्य विशेषताओं में परिवर्तन है, ठीक है। तो इसमें क्या एक अनुकूलन के रूप में आवास संशोधन किया जाएगा जहां पर इतनी सारी चीजों में क्या करेंगे भी अन्य विशेषताओं में परिवर्तन करेंगे छात्र के अनुसार, ठीक है। जो एक दिव्यांग छात्र को पाठ्यक्रम मानक में भाग लेने के लिए पहुंच प्रदान करते हैं, यानी कि छात्र के आवास में जो विभिन्न प्रकार के संशोधन होंगे, कौन कौन से होंगे, पाठ्य सामग्री, शिक्षण रणनीतियां, परीक्षण प्रस्तुति, स्थान हो गया उनका, समय निर्धारण हो गया, अपेक्षाएं हो गई, ठीक है, पर्यावरण संरचना हो गई, स्ट्रक्चर हो गया उनका, मतलब एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर हो गया, अन्य विशेषताओं में परिवर्तन रहेगा और करेक्शन रहेगा, जिसमें परिवर्तन अनुकूलन आ गया हमारे आवास में और करेक्शन हमारा संशोधन हो गया, ठीक है। फिर कह रहे हैं जो एक दिव्यांग छात्र को पाठ्यक्रम मानक में भाग लेने के लिए पहुंच प्रदान करते हैं, यदि आपके बच्चे की विकलांगता उसे ग्रेड स्तर की सामग्री तक पहुंचने से रोक रही है, अगर छात्र इतनी सीवियर कंडीशन में है कि वो किसी ग्रेड को प्राप्त नहीं कर पा रहा है मटेरियल के माध्यम से भी, यानी कि हमने मटेरियल को अडेप्टिव कर दिया है फिर भी वो किसी ग्रेड तक नहीं पहुंच पा रहा है या अचीवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो आपको बच्चे की व्यक्तिगत शिक्षा योजना में लिखेंगे, यानी कि आप बच्चे को व्यक्तिगत शिक्षा योजना यानी कि इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम IEP के माध्यम से हम छात्र को प्रशिक्षित करेंगे। आवास और संशोधन की आवश्यकता हो सकती है अगर आपका बच्चा जो है अगर किसी प्रकार का ग्रेड नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो वहां पर हम क्या करेंगे IEP कराएंगे। कह रहे हैं IEP की आवश्यकता हो सकती है आपके बच्चे को मिलने वाली आवास या संशोधन बच्चे की उम्र और विकलांगता, यानी कि उनको आवास संशोधन जो मिलेगा कह रहे हैं उनकी आवश्यकता और विकलांगता के अनुरूप होगा, कक्षा में प्लेसमेंट और IEP पर निर्भर करेगा, ठीक है, कक्षा में प्लेसमेंट और IE पर निर्भर करेगा आपकी, यानी कि इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम पर निर्भर करेगा। फिर कह रहे हैं बच्चे को राज्य के आकलन पर
मिलने वाले आवास और संशोधन कक्षा में आपके बच्चे को आवासों से थोड़े अलग होंगे, यानी कि मिलने वाले आवास जो है आपके पहले के आवास से क्या होंगे, थोड़े अलग होंगे। ठीक है, एक सामान्य आवास हो गया और एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उनके लिए अलग से व्यवस्था दी जाएगी। अब देखिए दोस्तों, पाठ्यचर्या अनुकूलन के 9 बुनियादी प्रकार हैं। 9 बुनियादी प्रकार कौन कौन से हैं? पहला हो गया मात्रा, दूसरा हो गया समय, तीसरा हो गया यहाँ पर ये अनुकूलन 9 बुनियादी, ये 9 नहीं है यहाँ पर, पाठ्यचर्या अनुकूलन के 9 बुनियादी प्रकार हैं, 9 नहीं है यहाँ पर, निम्न होगा, अनुकूलन के निम्न बुनियादी प्रकार हैं, निम्नलिखित होगा यहाँ पर। ठीक है, ये अनुकूलन के बुनियादी प्रकार, ठीक है, अनुकूलन के बुनियादी प्रकार, मात्रा, समय, सहयोग, कौशल, भागीदारी, वैकल्पिक लक्ष्य, कार्यात्मक पाठ्यचर्या। अब इसमें देख लीजिए, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवा ये हो गया। ठीक, मात्रा यानी कि हम क्या करेंगे, पाठ्यचर्या अनुकूलन में मात्रा को ध्यान में रखकर जो हम पाठ्यचर्या अनुकूलन कर रहे हैं तो मात्रा हमारी ऐसी रहेगी जिससे कि छात्र के अनुरूप, छात्र जितने स्तर पर कार्य कर रहा है या उसकी अधिगम शैली के अनुसार जितनी उसकी सार्थकता है या हम कह सकते हैं उसमें क्षमता है, एक मात्रा को ध्यान में रखना है हमें, एक समय के लिए चुनना है, और समय में हम क्या करेंगे उसको, समय इस तरीके से जैसे अगर कोई पाठ्यचर्या अपना पाठ्यक्रम वह पूर्ण समय पर पूर्ण नहीं कर पा रहा है तो उसको अलग से समय की छूट दी जाएगी, और समय हम क्या कर सकते हैं छात्र की क्षमता के अनुसार कम या बढ़ा सकते हैं, तो हमारे टाइम में अडेप्टेशन इस प्रकार से कर सकते हैं। सहयोग में अडेप्टेशन होगा कि हम छात्र के लिए अलग से कोई सहयोग व्यक्ति दें, ठीक है, जिसमें हमारे हेल्पर्स आ जाएंगे, ठीक है, सोशल वर्कर आ जाएंगे, पेयर ट्यूटरिंग या कोऑपरेटिव टीचिंग करा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कौशल स्किल्स हम इस तरीके से कराएंगे ताकि छात्र आगे भविष्य में कुछ सीख सके, और हर कौशल को हम, या हम कह सकते हैं हर स्किल्स को हम अडेप्टेशन, हर स्किल में अडेप्टेशन करेंगे ताकि छात्र क्या उसको मीनिंगफुल रूप से उसको सीख सके या मीनिंगफुल उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके, ठीक है। भागीदारी, भागीदारी यहाँ पर हम परिवार की भागीदारी करेंगे, माता पिता, भाई बहन, जो भी उसके संरक्षक होंगे उनकी भागीदारी हम कर सकते हैं। वैकल्पिक लक्ष्य हो गया, अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में समस्या आ रही है छात्र को तो वहां का वैकल्पिक लक्ष्य कर देंगे हम, कोई एक लक्ष्य को हटाकर दूसरा लक्ष्य चुन सकते हैं, ठीक है। कार्यात्मक पाठ्यचर्या हो जाएगा आपका कि कार्यात्मक जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित कोई भी कार्य है तो हम अपने पाठ्यचर्या को कार्यात्मक पाठ्यचर्या संबंधित चुन सकते हैं, ठीक है। अपने करिकुलम को क्या करेंगे, फंक्शनल करिकुलम कर लेंगे, जिसमें कार्यात्मक, जिसमें क्या है कि छात्र अपने दैनिक जीवन में जो भी सीखता है, करता है दिनचर्या में, उससे रिलेटेड कोई भी हम पाठ्यक्रम अपना चुन सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, अनुकूलित के कुछ निम्नलिखित प्रकार थे जो आपके सामने है दोस्तों, और ये टॉपिक हमेशा 10 नंबर में पूछा जाता है। केवल इतना, यूनिट 3.3 आपके लिए इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर 11 से, इसके जो टॉपिक रहेंगे आपको पेपर 11 का यूनिट फर्स्ट और यूनिट थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सारा जो निचोड़ आता है आपके एग्जाम में ये यूनिट फर्स्ट और यूनिट थर्ड आपका, जो आपने अगर इसकी प्रिपरेशन अच्छी कर ली यूनिट फर्स्ट और थर्ड की तो समझ लो आपका पूरा पेपर प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। और 10 नंबर का क्वेश्चन आता है और बहुत लेंथी आता है, आपको 250 शब्दों में करना होता है। ये कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले अनुकूल पाठ्यक्रम के बारे में बताएंगे, या मैंने आपको अनुकूलन बताया है, ठीक है। आप अगर 10 नंबर में करेंगे तो पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यचर्या का अर्थ हो गया आपका, परिभाषा बताएंगे, बार बार नहीं बताऊंगी, आपको पहले करा रखा है, ठीक है, आपको सबको पता है। अनुकूलन के बारे में आप बताएंगे, अर्थ, परिभाषा, उसके बाद अनुकूलन की कुछ प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत, किन श्रेणियों के अंदर, तो अनुकूलन की कुछ प्रमुख श्रेणियां जो है जैसे सामग्री, प्रक्रिया, सीखने का माहौल, आवास, संशोधन, इनको आप डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, पाठ्यचर्या अनुकूलन के जो बुनियादी प्रकार हैं इन प्रकारों को आप क्या करेंगे, डिटेल में समझाएंगे। 250 शब्दों का आपका हो जाएगा, बाकी आपका अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।